नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों पर। 22 नवंबर से कोवैक्सीन को ब्रिटेन में मिलेगी मान्यता, बिना रोक टोक कर सकेंगे यात्रा। बड़ा फैसला, कंपनियों को बताना होगा पैकेट बंद उत्पादों का प्रति इकाई मूल्य। अप्रैल से लागू हो गए नए नियम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज कर सकती है मंत्रिपरिषद का विस्तार। उद्यान गुहा को बनाया जा सकता है उत्तर बंगाल विकास मंत्री। केरल में 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, सरगना फरार। दिल्ली द्वारका में जबरन शराब पिलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, गला घोट कर हत्या का प्रयास, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान। भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल में चिल्ड्रंस वार्ड में लगी आग ने ली 4 बच्चों की जान। मृतक बच्चों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में बहुत खराब स्तर पर वायु प्रदूषण, कई अन्य राज्यों में भी हालत गंभीर। अमेरिका में इजरायली दूतावास को लेकर बम की धमकी, लेकिन पुलिस को नहीं मिली कोई खतरनाक सामग्री। अब महज 2500 रुपए में लगवा सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जर, दिल्ली सरकार ने शुरू की पहल। नवजोत सिद्धू के तेवर से चिन्नी सरकार और कांग्रेस में खलबली, गुरु ने सीएम संग बैठक में भी दी गुड़की, बाद में बनी सहमति। जापान के पूर्व पीएम सिंजो आबे और गायक बाला सुब्रमण्यम समेत इन हस्तियों को दिया जाएगा पद्म विभूषण। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।